दोस्तों हमें कमेंट आ रहा था, कई लोगों ने हमसे पूछा कि भाई साहब हमें आम का पेड़ सुखाना है, तो आप हमें बताएंगे आप आम का पेड़ किस तरह सुखाया जाए। तो इस वीडियो में आपको मैं वही बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं बबलू और आप देख रहे हैं ग्रीनएक्स चैनल यूट्यूब का। दोस्तों आप लोग अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिस आपको पहले मिले और वीडियो पूरी देखें। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों ये आम का पेड़ है और ये मेरे घर के अंदर है और इसके साथ में कई प्लांट भी हैं आगे पीछे, और ये बहुत ही ज़्यादा घना हो गया है जिससे निकल करके हम बेसिन तक भी नहीं जा पाते। तो दोस्तों इस पेड़ को अगर सुखाना है हमें, तो इसको सुखाने के लिए हमें बस मात्र 50 से 60 रुपए के खर्च में इस पेड़ को हम सुखा सकते हैं इजली। जी हाँ दोस्तों, और इसको सुखाने के लिए सबसे पहले हमें ये करना है कि इसके जो है स्टेम को चेक करना होगा, ये हरी है या सूख गई है। तो दोस्तों इसके स्टेम को हम बड़ी आसानी से चेक कर सकते हैं, जी हाँ, स्क्रैच करके। और देखिए पीछे तमाम पेड़ और भी लगे हुए हैं, तो स्टेम हम पहले चेक कर लेंगे। जी हाँ ये हरी है। अगर इसके जड़ में हम जो है डालते हैं, जी हाँ दोस्तों, हींग, तो पूरे में फैल जाएगा वो और दूसरे पेड़ को भी सुखा देगा। हमें सिर्फ इस आम का पेड़ सुखाना है, तो हमें हींग का जो है घोल बना लेना है, जी हाँ लिक्विड, और इस ड्रिल मशीन की मदद से हम इसके स्टेम में छेद कर देंगे और उसमें लगा देंगे, इजली वो सूख जाएगा 3 से 4 दिन में। और अब बातें करते हैं आगे बड़े पेड़ की। जी हाँ आम के ये देखिए बड़ा पेड़ है, और ये जैसे मान लीजिए खेत के बीच में आ जाता है, तो पड़ोसी के खेत में ट्रैक्टर चलती है तो इसके जड़ उसके फार में फंसते हैं, फार टूटता है तो लड़ाई झगड़े का केंद्र बनता है, तो उसको हम कैसे सुखाएंगे। सबसे पहले हम ज़मीन की मिट्टी को चेक कर लेंगे, जी हाँ दोस्तों, और उसके बाद हम उसमें 1 से 2 फीट स्क्वायर में गड्ढा खोदेंगे नमी को बरकरार देखते हुए। जी हाँ नमी बरकरार रहेगी तभी जो है वर्क करेगा वो आपका लिक्विड, और हमें हींग का लिक्विड बना लेना है। और बड़े पेड़ का जो तना है उसके जड़ में हमें वो लेप लिक्विड जो है डालना होगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों हींग का ये देखिए, आप कोई भी हींग ले सकते हैं, लिक्विड बनाइए और 1 लीटर में आप 50 ग्राम डालिए हींग और लिक्विड बना करके जड़ में डाल दीजिए। आसानी से 3 से 4 दिन में आम का पेड़ सूख जाएगा दोस्तों। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर आप हमारे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और हमें आप वीडियो भेजें। दोस्तों प्लांट को मत सुखाइए जल्दी ही, किसी भी प्लांट को अनावश्यक मत सुखाइए। जब आपको उस प्लांट की ज़रूरत ना हो या कोई टेंशन हो या किसी पड़ोसी को परेशानी हो तब आप सुखाएं। और हाँ एक पेड़ सुखाने के एवज में आप कम से कम 2 पेड़ लगाएं। जी हाँ दोस्तों पेड़ को ज़रूर लगाएं, पेड़ से हमें ऑक्सीजन मिलता है और वर्षा होती है। गुड बाय।